धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बच्चे को दोबारा जीवन दान। सन 1965 की घटना है। एक बार पूज्य सच्चे पातशाह जी ने जिला सरसा के सहारणी गांव में सत्संग किया। उन दिनों दयालु शहनशाह जी एक ही गांव में तीन तीन सत्संग किया करते थे। पहले दिन शनिवार रात को करीब 11 बजे सत्संग की समाप्ति हुई। परम पिता जी साध संगत को आज्ञा देकर स्वयं अपने उतारे वाले घर चले गए और जो बाहर से संगत आई हुई थी वहीं सत्संग पंडाल में आराम करने लगी। थोड़े समय बाद ही अचानक किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ में इतनी करुणा व दर्द था कि सुनने वाला कोई भी प्राणी उनके दर्द को महसूस किए बिना ना रह सका। सभी बेचैन थे तथा असलियत जानने के लिए उस स्थान की ओर पहुंच रहे थे। वह हृदय विदारक चीखों की आवाज़ रात्रि के सन्नाटे में सभी मनुष्य हृदयों को झंझोड़ रही थी। उस समय मैं भी वहीं मौजूद था। वास्तव में बात यह थी कि पति पत्नी अपने 9-10 वर्ष के पुत्र समेत वहां सत्संग में आए हुए थे। सतगुरु का ऐसा भाना हुआ कि अचानक उनका वही लड़का चोला छोड़ गया। वे तीनों उस समय उसी पंडाल में आराम कर रहे थे, इसलिए वे दोनों अपने पुत्र के वियोग में बुरी तरह विरलाप कर रहे थे। उन पति पत्नी के करुणा रुदन की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरती हुई दयालु दातार जी के उतारे से भी जा टकराई। हालांकि सत्संग पंडाल से उतारे वाला स्थान काफ़ी दूर गांव में था, परंतु कुल मालिक तो घट घट तथा पट पट की सब जानता है। दयालु परम पिता जी ने तुरंत सत ब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण दास को घटनास्थल पर भेजकर उसी समय उस पीड़ित परिवार को उतारे वाले घर बुलवा लिया। उस समय रात्रि के करीब 12:30 बजे थे। बेपरवाह सच्चे पातशाह जी ने उनके दुख को जानते हुए उन्हें धैर्य दिया। लड़के का मृतक शरीर तब तक ठंडा हो चुका था। पुत्र वियोग में रोने के सिवाय वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। दो जहानों के मालिक से भी उनका दुख देखा नहीं गया। सतगुरु जी ने उन पर अपनी अपार रहमत की वर्षा कर दी। शहनशाह जी ने उन्हें अपना स्नेह देते हुए फरमाया, भाई तुम बच्चे को किसी डॉक्टर के पास दिखाकर कोई टीका आदि लगवा लाओ। इस पर उन दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह जी, अब आपसे बड़ा इसके लिए और कोई भी डॉक्टर नहीं है। सर्व सामर्थ्या दाता जी ने अपनी रहमत तो उन पर कर ही दी थी, परंतु शहनशाह जी ने दोबारा फिर अपने उसी वचन पर जोर देते हुए उन्हें हुक्म फरमाया, भाई इसे टीका तो लगवा कर देखो। पूर्ण संत सतगुरु में बस यही गुण सबसे बड़ा होता है। हालांकि वे सब कुछ कर्ण करावनहार होते हैं, सब कुछ कर भी देते हैं, परंतु वह बात को अपने ऊपर नहीं लेते, किसी और को माध्यम बनाकर अपना काम करवा लेते हैं। भला मरा हुआ जीव जिसका शरीर भी पूर्णतः ठंडा हो चुका हो, उसे क्यों कोई डॉक्टर टीका लगाएगा? कैसे उसके अंदर दवाई प्रवेश करेगी और कैसे वह जीवित होगा? प्रेमी जीवों ने अपने मालिक का वचन सत्य माना और उसी समय वे अपने मृतक बच्चे को उसी गांव के एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए। उस घटना को तब 2-2.5 घंटे बीत चुके थे। डॉक्टर ने उसी समय बच्चे का चेकअप किया और कहा कि इसे तो मरे हुए 2-2.5 घंटे बीत चुके हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चे के माँ बाप ने कहा, हमें अपने सतगुरु परम पिताजी के वचनों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने डॉक्टर से प्रार्थना की कि भले ही इसे मरे हुए 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, परंतु फिर भी आप इसे एक टीका लगा दें। डॉक्टर ने सोचा कि ये बेचारे अपने बच्चे के गम में बहुत घबराए हुए हैं, मरने वाला तो वापस आ नहीं सकता, ऐसा ना हो कि कहीं इन्हें भी कुछ हो जाए। इसलिए उन दोनों का दिल रखने के लिए डॉक्टर ने एक सिरिंज में कोई दवा आधी भरकर
मृतक बच्चे के टीका लगा दिया। डॉक्टर का तो नाम पढ़ना था, हो सकता है शायद उसने पानी का ही टीका लगाया हो। टीका लगते ही बच्चे के शरीर में हरकत आ गई और उसके श्वास चलने लगे। डॉक्टर स्वयं भी हैरान था कि यह कैसे संभव हुआ है। उन्हें आशा की किरण नज़र आने लगी कि हमारा बच्चा अब जीवित हो जाएगा। बच्चे की मां ने अपने सतगुरु का नारा लगाते हुए उसके मुंह में एक दो चम्मच पानी डाल दिया। पानी ज्यों ही बच्चे के अंदर गया तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते हुए कहने लगा, मम्मी हम कहाँ हैं, पिताजी कहाँ गए? अब तो पिताजी यहाँ मेरे पास ही बैठे थे, अचानक कहाँ चले गए? यह दृश्य देखकर वे सभी लोग मालिक परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद करने लगे, क्योंकि सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही तो हुआ था। डॉक्टर स्वयं भी बहुत हैरान था, परंतु जब उसने कुल मालिक परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की रहमत का दृष्टांत स्वयं अपनी आंखों से देखा तो वह भी धन्य धन्य कह उठा। उसने भी अगले दिन सत्संग में पहुंचकर नामदान प्राप्त कर लिया। यह खबर तुरंत सारे पंडाल में पहुंच गई कि फलां बच्चा जो अभी 2-2.5 घंटे पहले मर गया था परम पिताजी के वचनों से जीवित हो गया है। सारी संगत बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सभी ने अपने मालिक के नारे लगाते हुए मालिक का धन्यवाद किया। अगले दिन रविवार को दिन के सत्संग में जब दो जहानों के मालिक स्टेज पर आकर विराजमान हुए तो बच्चे का बाप अपने बच्चे को लेकर स्टेज के पास आ गया। उसने अपने बच्चे को बेंच पर खड़ा कर दिया और ऊंची आवाज़ में कहा, सत्संग जी लगभग सभी को पता है कि रात को यह बच्चा मर गया था। हमारा दुख किसी से भी देखा नहीं जा सका, परंतु परम पिताजी ने स्वयं हम दुखी जीवों को अपने पास बुलाकर धैर्य दिया और अपनी रहमत के द्वारा इस बच्चे को नया जीवन बख्श दिया है। यह सब कुछ आप सबके सामने हुआ है। टीका लगवाने का तो केवल बहाना मात्र था। आप भी जानते हैं कि इतनी देर से मरे हुए किसी जीव प्राणी को टीका कैसे लग सकता है। अपने आप को छुपाने के लिए शहंशाह जी ने डॉक्टर व टीके का नाम लिया है। दया के भंडार सर्व समर्थ्या परम पिताजी ने फरमाया, भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया, बेचारे डॉक्टर ने टीका लगाया जिससे इनका बच्चा जीवित हो गया। हमारा तो भाई वैसे ही नाम लेते हैं, जो कुछ भी किया है बेपरवाह मस्ताना जी ने किया है। बेपरवाह जी ने इन दुखी प्रेमियों की पुकार को सुनकर अपनी रहमत द्वारा बच्चे को दोबारा जीवन दान बख्श दिया। ये इनका अपना विश्वास है भाई। इस प्रकार यदि कोई जीव अपने सतगुरु पर भरोसा करे तो कुल मालिक उसके सभी काम आप कर देता है और उसकी सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। पूजा परम पिताजी एक शब्द की टेक में फरमाते हैं, जिंद गुरु दे लेखे वार दे तू फिर सजना मुश्किल हल होवे, मिट जावन सारे वहम फिकर जद सामने गुरु दे गल होवे। पागल कुत्ते से छुड़ाया व संभाल की, यह घटना सन 1965 की है। उस समय मैं 8 वर्ष का था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ गांव से दूर चला गया। अचानक ही एक पागल कुत्ता मुझसे लिपट गया। यह देखकर मेरे साथी गांव को भाग गए। कुत्ते ने मेरे शरीर पर काफ़ी घाव कर दिए और पेट में दांत मार मार कर आंतड़ियों का गुच्छा सा बाहर निकाल दिया। जब कुत्ता मुझे घसीट कर ले जा रहा था तो उसी वक्त परम पिताजी ने प्रत्यक्ष रूप में सामने आकर मुझे कुत्ते से छुड़वाया। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा फिक्र मत कर, अब हम आ गए हैं, तेरे को अब कुछ भी नहीं होने देंगे। उस वक्त मैंने नाम भी नहीं लिया हुआ था। मैं सोच रहा था कि इतने लंबे कद वाले सफ़ेद वस्त्र पहने हाथ में लाठी लिए ये कौन हैं और कहां से आए हैं। दूर गांव में खड़े लोगों को आवाज़ देकर
शहंशाह जी ने फरमाया, भाई इसे ले जाओ और जल्दी ही अस्पताल में पहुंचा दो। परम पिता जी ने फिर मुझको हौसला देते हुए कहा, बेटा फिक्र मत कर, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मेरे पास जब मेरे माँ बाप पहुँच गए तो परम पिता जी पल में ही अलोप हो गए। अस्पताल में एक दिन परम पिता जी ने अपने कर कमलों द्वारा मुझे दूध का गिलास देते हुए फरमाया, बेटा यह दूध पी ले, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटा किसी को बताना नहीं कि मुझे बाबा जी ने दर्शन दिए हैं। मैंने तुरंत वह दूध पी लिया और उसी वक्त परम पिता जी वहाँ से चले गए। सन 1974 में जब मैं दरबार में आया, तब खुद खुदा कुल मालिक स्वयं उसी स्वरूप में स्टेज पर विराजमान थे। परम पिता जी के दर्शन करके मैंने तुरंत अपने सतगुरु बाबा जी को पहचान लिया कि 9 वर्ष पहले इन्होंने मुझे पागल कुत्ते से छुड़वाया था, वरना मुझे फाड़ कर खा जाता। इन्हें बाबा जी ने ही मुझे अस्पताल में दूध का गिलास पिलाकर हौसला दिया था कि बेटा घबराना, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने परम पिता जी का लाख लाख धन्यवाद करते हुए कहा कि परम पिता जी तो सारी सृष्टि के ही पालनहार व रक्षक हैं, ना के केवल अपने प्रेमियों की ही संभाल करते हैं। मैंने उसी सत्संग पर परम पिता जी से नामदान प्राप्त कर लिया। कुल मालिक के हाथ बड़े लंबे हैं, वह अपने हर जीव की हर मुसीबत में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में इसी तरह सहायता करते हैं। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।